तो किसी भी ऑपरेशन सिक्योरिटी को परफॉर्म करते हुए हमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, यहाँ पे हमारे पास है लॉन्ग की प्रॉब्लम आती है कि हमें इसमें लॉन्ग की प्रॉब्लम आती है जब भी कोई हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमें क्या आता है कि प्रोसेस प्रॉब्लम आती है। उसके बाद हमें टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम क्या आती है कि जब भी किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं हम, तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टाफ होता है वो शॉर्ट होता है। तो अगर स्टाफ हमारे पास शॉर्ट है तो उसको पूरा करने के लिए हम स्टाफ अपना कंप्लीट कर भी लेते हैं, तो उसमें फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रॉब्लम आएगी कि वो हमारे पास जो है उनके पास स्किल्स नहीं होंगी। तो स्किल्स नहीं होंगी, अगर हम उनको स्किल्स सिखा भी देते हैं तो फिर भी उनके पास इतना नॉलेज नहीं होगा जितना एक्सपर्ट के पास होता है। तो फिर भी हमें इस चीज को देखते हुए भी ये चीज जो लोगों के प्रॉब्लम्स है इन तीनों चीजों पे डिपेंड है कि हमें लोगों की प्रॉब्लम ये आती है इसमें। एक्सपर्टीज नहीं है इसमें लोगों की, जी स्किल्स मैम, नहीं है। अगर हम उनको स्किल सिखा भी देते हैं लेकिन फिर भी वो इतना उनके पास नॉलेज उस टाइम तक नहीं होगा जो लोग शुरू से ही काम करते आ रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस प्रॉब्लम। तो प्रोसेस प्रॉब्लम में क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि हम जो प्रोसेस हम कर रहे होंगे वो स्लो होंगे और लेट परफॉर्म हो रहे होंगे। और दूसरा इसमें यह आता है कि अगर हमारे पास बजट है तो हम बजट अपना उस चीज की तरफ नहीं लगाते। मिसाल के तौर पे हमें कोई क्लाइंट मिलता है, क्लाइंट हमें क्या कहता है कि हमें वो पेमेंट कर देता है और हमारे पास हमें एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें हमारे पास ये आ जाते हैं कंपोनेंट्स आ जाते हैं जो हमें परचेज करने होंगे जी। तो उन क्लाइंट ने हमें पेमेंट की लेकिन हमारे पास सिस्टम जो है अभी छोटे हैं, हम क्या करते हैं कि हम उसका एक पूरा वो नहीं बनाते कि हमें पैसे कहाँ कहाँ खर्च करने चाहिए। हम क्या करते हैं सबसे पहले अपने जो है कंप्यूटर या सिस्टम को अपडेट कर लेते हैं ताकि हम उसको डेमो बना के दिखा सकें कि ये चीज इस तरह से काम करेगी। हमने सारे पैसे तो लगा दिए अपने सिस्टम पे और बाद में हमें पता चला कि जो हमारे पास कंपोनेंट्स थे तो वो जो है वो महंगे हैं, तो इसलिए हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमें पैसे या हमारा जो बजट है वो किधर लगाना है। तो इस तरह से भी एक ये हमारे पास जो है प्रॉब्लम आएगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम क्या आती है, हमारे पास टूल नहीं है, वो टूल नहीं है जो होने चाहिए। तो अगर हम इन टूल्स को परचेज भी कर लेते हैं तो हमारे पास फिर उन टूल यूज करने की एक्सपर्टीज नहीं होंगी जिसमें हमारे पास उसको जब हम परफॉर्म करेंगे तो परफॉर्म करते हुए हमारे पास एनालिटिक या फिल्टरिंग जो है बेहतर से बेहतर हम नहीं निकाल सकते। और तीसरा है हमारे पास इसमें कि ऑटोमेटिक टूल हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर जो ऑटोमेटिक टूल होते हैं ये थोड़े महंगे होते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिक सारी चीजें परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये तीन चीजें भी हमारे पास टेक्नोलॉजी के अंदर आ जाती हैं जो कि इसको ऑपरेशन सिक्योरिटी को परफॉर्म करते वक्त हमें नजर आती हैं।